और घर वाले दोनों मिलकर, मतलब कि दोनों की वजह से ये हो पाया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम बच्चों को रेगुलर, अगर एग्ज़ाम की अवधि एक साल है और वो एक साल से अधिक समय तक हो जाता है, 12 से वो 14 महीने बाद होना है, तो भी हम बच्चों को अपने कोचिंग संस्थान से छोड़ते नहीं हैं कि भैया आपका 6 महीने हो गया है, अब आप कोचिंग बंद करके चले जाइए, क्योंकि ऐसा करने से जो हम उन्हें पढ़ाए हुए हैं वो सारी चीज़ें उनकी क्या हो जाएंगी, भूल जाती हैं। मतलब ऑनलाइन में वो चीज़ हमें फील नहीं होती कि हम पढ़ रहे हैं, जो सामने से कोचिंग में आके क्लास में बैठते हैं माहौल चेंज होता है, अलग होता है, और क्लास में बैठते हैं टेस्ट देते, टेस्ट वगैरह देते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से एक बेहद प्रेरणादायी खबर आ रही है, जहां बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता अभी भी कई जगहों पर पाई जाती है। वहाँ रीवा की बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। रीवा के सुपर 35 कोचिंग संस्थान की छात्रा प्रिंसी गौतम ने PNST 2024 परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया है। प्रिंसी की सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रिंसी के साथ साथ संस्थान की 40 अन्य छात्राएं भी इस परीक्षा में शामिल हुई हैं। इनमें समीक्षा तिवारी, अंकिता पांडे, मधु मिश्रा, गरिमा पांडे, प्रेरणा शर्मा, सरस्वती, सुहानी गुप्ता, निधि कुशवाहा, कांचा साकेत, सानिया खान, दुर्गा प्रजापति, जायरा अंसारी, सीमा प्रजापति, शिवानी द्विवेदी और सुलोचना साहू सहित कई अन्य प्रतिभाशाली छात्राएं शामिल हैं। इन छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने शिक्षकों, जिनमें पारस सर, प्रशांत सर, धीरज पांडे सर और AP सिंह सर शामिल हैं, को दिया है। इन शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। ये सभी छात्राएं अपनी इस उपलब्धि से न केवल अपने परिवार बल्कि उन सभी लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन छात्राओं ने साबित कर दिया है कि बेटियां भी किसी से क्षेत्र में कम नहीं है। रीवा की इन बेटियों की सफलता हमें यह संदेश देती है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें हर संभव अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सके। प्रिंसी गौतम, मेरी थर्ड रैंक है और मैं सुपर 35 में पढ़ी हूँ। मेरा गांव बरेही गांव का नाम है, मैं वहीं से डेली अप डाउन करती थी। टीचर और घर वाले दोनों मिलकर, मतलब कि दोनों की वजह से ये हो पाया, क्योंकि डेली आना था तो घर वालों ने कुछ, मतलब कि जैसे किराया वगैरह भी लगता है तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और टीचर तो मतलब कि हर वक्त, जैसे कि उनका ये नहीं था कि यहाँ पढ़ा दिए बस, हम घर जाते थे तो हमको डाउट थे तो हम वहाँ से भी सर को मैसेज करते थे कि सर ये तो, सर फोन पे भी हमें मतलब कि अच्छा बताते थे। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आगे, मतलब कि डेली रिवीजन, और सर मतलब कि अगर यहाँ आए तो सर की नोट्स ही बहुत है, मतलब कि बहुत अच्छी है नोट्स। अच्छा। मतलब कि मैं केवल सर की नोट्स पढ़ती थी और सर ने वो बुक प्रोवाइड की थी हम लोगों को, तो हम लोग बस उसी को यहाँ से पढ़ के जाएं फिर घर पे सॉल्व करते थे वही। और मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश्वर प्रसाद तिवारी है। मेरा PNST का एग्ज़ाम था 2024, उसमें मेरी 26वीं रैंक लगी है। मेरे इसमें योगदान मेरे टीचर्स का है और मेरे पेरेंट्स, जो कि मेरे पापा बस हैं, बाकी मेरी फैमिली में मैं और मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो मुझे हमेशा से बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो क्लास में हम सामने बैठ के पढ़ते हैं, टीचर हमें सामने समझाते हैं, वो अलग ही है। मतलब ऑनलाइन में वो चीज़ हमें फील नहीं होती कि हम पढ़ रहे हैं, जो सामने से कोचिंग में आके क्लास में बैठते हैं माहौल चेंज होता है, अलग होता है, और क्लास में बैठते हैं टेस्ट देते, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है हमारे अंदर। हाँ, मैं एक बार यहीं इसी कोचिंग में 2021 में PNST का ही तैयारी करने आई थी, तो सर लोगों के माध्यम से पता चला कि एक वैकेंसी निकली है पैरामेडिकल स्टाफ, तो मैंने उसमें फॉर्म डाला था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। पहले भी आप यहीं से पढ़ के गई? हाँ, मैं यहीं से पढ़ के गई थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं ये नर्सिंग करना चाहती थी, तो जिस वजह से मैं वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ आ गई फिर से तैयारी करने। मतलब यहाँ से बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद भी सर लोग गाइड करते रहते हैं? यस सर, बिल्कुल पूरी तरह से गाइड करते हैं। मैंने सर से ही पूछा, सर मुझे अभी PNST ही करना है, तो बोले ठीक है तुम कर लो आ जाओ,
तो यहाँ का मार्गदर्शन तो बहुत अच्छा है, सर लोग बहुत अच्छे से हमारी मदद करते हैं स्टूडेंट्स की। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं, भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत अच्छे से बताते हैं, पढ़ाते हैं क्लास में, और जो हमें डाउट्स रहता है आके पूछ सकते हैं, या तो नहीं आ सकते तो फ़ोन से पूछ लें, तो बहुत अच्छे से। और उनका पढ़ाया हुआ भी बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से समझाते हैं, और उनके ही नोट्स से हमने इतने अच्छे स्कोर हासिल किए हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, उनका खुद का एक डिटरमाइंड होना चाहिए, वो खुद एक दृढ़ निश्चय बनाए कि हमें करना क्या है। क्योंकि मैंने बनाया तो भले मेरे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा डेली खाना बना के आती थी, जाती थी तो घर के काम करती थी, पढ़ती थी, मतलब मैं मुश्किल से 5 घंटे भी कंटिन्यू नहीं पढ़ती थी। तो मेरे से ज़्यादा तो ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा हो कि ना पढ़े और ना आ सके, घर का काम, पापा जी बस हैं तो उनकी देखभाल करना, पढ़ना साथ में, तो ऐसे तो मेरे से ज़्यादा तो इतना कोई नहीं होगा कि जो ना कर पाए। मेरा नाम किरण साकेत है, मेरे पिताजी का नाम श्री केशव प्रसाद साकेत है, मेरी 17वीं रैंक लगी है, ये सुबह 35 कोचिंग है। मेरी कोचिंग 9:30 बजे से होती थी, 2 बजे तक पढ़ाते थे सर, और बायोलॉजी फारा सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री धीरज सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स प्रशांत सर पढ़ाते हैं, और इंग्लिश और जीके एपी सर पढ़ाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पारस, संचालक सुपर 35 कोचिंग रीवा। देखिए लगभग 40+ सिलेक्शन हमारे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं, जो कि किसी भी प्रकार का कोई फेक नहीं है, सारे डाटा सब कुछ हमारे पास हैं। इनमें से हमारी पूरे एमपी में 3rd रैंक जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो है प्रिंसी गौतम, जो अभी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है, है ना। आप भी उनसे चाहें तो बात कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और उनका 3rd रैंक पूरे मध्य प्रदेश में है। प्रीवियस ईयर जो 2021 का रिजल्ट आया था PNST का, उसमें हमने मध्य प्रदेश में 1st रैंक दिया था प्रियंका पटेल का, इसके बाद ये पेपर नहीं हुए PNST का, है ना, और ये जो रिजल्ट आया इसमें हमने 3rd रैंक दी है। ये अगर जिन बच्चों को हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, ये तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कोई किसी को दे करके फ़ोटो निकलवा सकता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जो हमारे यहाँ के बच्चे की फ़ोटो हमारे यहाँ लगी हुई है, अगर आप कहीं अन्य संस्थानों में देखते हैं तो आप हमें बताइए, हमारे यहाँ का बच्चा खुद जा करके वो फ़ोटो हटवा देगा, है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि वो पैसा दे दिया वो, है ना। तो जो हमारे यहाँ ये जो रिज़ल्ट छपा हुआ है प्रिंसी गौतम 3rd रैंक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हम दावा कर रहे हैं, है ना। और आपके साथ बच्ची का अगर आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही रिज़ल्ट आया हमने शाम को ही बता दिया कि हमारे पास रिज़ल्ट है। ऐसे नहीं होता कि हम 2-4 दिन बाद कहीं से इकट्ठा करें बच्चों को और उससे बताएं कि हमने रैंक दिया हुआ है, है ना। जैसे ही हमारा क्या हुआ, रिज़ल्ट आउट हुआ है, शाम को हमने बता दिया कि हमारे पास 3rd रैंक है पूरे मध्य प्रदेश की, है ना। कल के इंटरव्यू में जो भी हमने बताया सबको हर जगह पर, हमने यही बताया कि हमारे पास 3rd रैंक है। और हमारे बीच रात के अलावा दूसरे दिन जैसे सुबह हुई हमारे पास बच्ची अवेलेबल है, है ना। जब चाहें हम आपसे उससे मिला सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम बच्चों को रेगुलर, अगर एग्ज़ाम की अवधि 1 साल है और वो 1 साल से अधिक समय तक हो जाता है, 12 से वो 14 महीने बाद हो रहा है, तो भी हम बच्चों को अपने कोचिंग संस्थान से छोड़ते नहीं हैं कि भैया आपका 6 महीने हो गया है अब आप कोचिंग बंद करके चले जाइए। क्योंकि ऐसा करने से जो हम उन्हें पढ़ाए हुए हैं वो सारी चीज़ें उनकी क्या हो जाएंगी, भूल जाती हैं। हमारे कोचिंग संस्थान में नए बैच बनते रहते हैं, लेकिन पुराने बैच तब तक बंद नहीं होते हैं जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। यही हमारे संस्थान का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमारे यहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं साल भर वही टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं 7-7 साल 8-8 साल से हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं जो यहाँ पर कोचिंग चला रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस लगभग 15 ईयर का, 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सुपर 35 को संचालित कर रहा हूँ। मैं ऐसे का अभिभावक जो हैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो बच्ची एडमिशन लेती है वो हमारी एक फैमिली की तरह होती है, है ना। हम तो उन्हें ये पूरा आश्वासन देकर के भेजते हैं कि आप कहीं भी रहिए, अगर आप 100 किलोमीटर दूर हैं तो बच्ची आपको फ़ोन लगाएगी और मुझे फ़ोन लगाएगी तो मैं 5 मिनट में आऊँगा, आप 5 घंटे में आएंगे। तो एज़ अ पेरेंट्स, अब आपके पेरेंट्स तो वो हैं लेकिन उनसे पहले का पेरेंट्स इस ईयर के लिए मैं हूँ। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले पहुँचते हैं उसके पास। यहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि लड़कियों के गैस सिलेंडर ख़त्म हो गए, तबीयत खराब हो गई,
हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं रात में, उनका सारा मतलब व्यवस्थाएं करवाते हैं कि गैस सिलेंडर भरवा दिया जाए, बच्ची भूखी है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाए। भाई हमारे पास मैहर छतरपुर सीधी शहडोल यहाँ से लड़कियाँ आती हैं, वो उनके पेरेंट्स कब पहुँच पाएंगे, उनसे पहले तो हम ही पहुँचेंगे ना। तो हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से निस्फिक्र रहते हैं कि हमको कोई डर नहीं है, हमारा नंबर है सारे बच्चों के पास रहता है, किसी भी समय वो हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कोचिंग में क्या नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ का सबसे पहले जो टीचर पढ़ाते हैं वो नोट्स बनवाया जाता है, क्योंकि लिखित तो सब कुछ है, किताबों से बढ़ करके कुछ भी नहीं है जो लिखा है, पर उसे समझा करके लिखवा देना वो सबसे बड़ी बात है। तो हम पहले लिखवाते हैं, इसके अलावा फिर हम बुक भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, कि अगर आपको लगता है कि बुक में कुछ छूटा हुआ है तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारी जो नोट्स रहती हैं उसमें 100% NCERT सब कुछ कवर रहता है, उसके बाहर कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाता है जी, यही हमारा मेन रिजल्ट का आधार है।